गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम दैट इज द नेवर ऑन टॉप रिटन बाय केट ह्यूज। दिस इज फ्रॉम योर हॉर्नबिल बुक, क्लास 11 की जो हॉर्नबिल बुक है वहां से हम पोएम पढ़ रहे हैं नेवर ऑन टॉप। नेवर ऑन, व्हाट इज नेवर ऑन? नेवर ऑन इज एक्चुअली द अमर दास। नेवर ऑन का मतलब है अमर दास। तो अमर दास का जो प्ले होता है उस पे पीले पीले फूल होते हैं, और आप किसी भी आप सड़क के किनारे देखते होंगे एक बड़ा सा पेड़ होता है, आम के पेड़ के बराबर होता है, और उसके जो पत्ते होते हैं वो भी पीले होते हैं, जो फूल होते हैं वो अंगूर के गुच्छे, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं वैसे उसके पत्ते होते हैं इस तरह से। और जब पूरा जो फूल है, जब पूरा फूल निकल जाता है तो पूरा पेड़ पीला पीला दिखता है, तो अमरदास का पेड़। और दूसरा इसमें है एक बर्ड है गोल्ड फिंच एक बर्ड है जिसको आप स्पैरो मान सकते हैं। तो इसमें ये बताया है कि एक बर्ड का यानी एक परिवार का कुत्ता का क्या रोल होता है। जो गोल्ड फिंच बर्ड है उसके बच्चे लेवन एम ट्री में है, मतलब उसका जो नेस्ट है वो लेवन एम ट्री में है। यहाँ पर सिचुएशन दिया है, एक सिचुएशन ये है कि बर्ड के आने से पहले जो लेवन एम ट्री है उसपे गोल्ड फिंच बर्ड का नेस्ट है, उसके बच्चे उसमें है टॉप पर, ताकि लेबनान टॉप, ये लेबनान के टॉप पर गोल्ड फिंच बर्ड का नेस्ट है उसके बच्चे, और वो बच्चे को खाना खिलाने आती है। तो जब वो पेड़ के अंदर आती है तो पेड़ के अंदर एक हलचल सा मच जाता है, एक शोरगुल होता है, एक पार्टी का मूड हो जाता है, एक एंजॉयमेंट हो जाता है, और जैसे वो चली जाती है सन्नाटा छा जाता है। उसके आने से पहले सन्नाटा छा रहा है, उसके जाने के बाद सन्नाटा छाया हुआ है, यानी वो जो क्या है वो इंजन ऑफ द फैमिली है, वो परिवार का मुखिया है, वो परिवार का हेड है। तो अब घर में जो हेड है वो अगर आता है तो हम क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं, टॉफियां आती हैं, बिस्किट आते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। उसी तरह से ये गोल्ड पीस बर्ड अपने परिवार का मुखिया है, और जब खाना खिलाने आती है तो न सिर्फ बच्चे चहकते हैं बल्कि पूरा पेड़ झूमने लगता है, गाने लगता है, आनंदित हो जाता है, पार्टी करने लगता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे वो सन्नाटा, बर्ड के आने के पहले का सन्नाटा, और लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे सन्नाटा यानी बर्ड के जाने के बाद सन्नाटा। जो बीच का पैराग्राफ है वो तो खुशियों का माहौल है, पार्टी का सीन है, खाना पीना है, सब आराम से है उसमें। लेट्स सी द पोएम। द लेवर ऑन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑन इट्स सीट्स फॉलन। लेवर ऑन टॉप इज साइलेंट, जो लेवर ऑन टॉप है, जो लेवर ऑन का जो पेड़ है वो शांत है, स्थिर है, स्थिर है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर, ये सेप्टेम्बर का मंथ है, येलो सेप्टेम्बर का मतलब यह है कि सेप्टेम्बर का मंथ है और फूल खिले हुए हैं, जो अमरदास का पेड़ है वो पूरी तरह से फूल से लदा हुआ है, तो येलो सेप्टेम्बर है, यानी सेप्टेम्बर येलो हो गया है, येलोविश हो गया है, हर तरफ पीलापन है, हर तरफ खुशियां हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और कुछ उसके पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं, यानी ऑटम सीजन भी है। ऑल इट्स सीड्स फॉलिंग, फसल इसके जो बीज गिर गए हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा नेगेटिविटी है, फर्स्ट पैराग्राफ में लगता है जैसे जीवन खत्म हो रहा है, पत्ते गिर रहे हैं और बीज उससे गिर रहे हैं, और सितंबर का मंथ है और फूल जो है पीला दिख रहा है, फिर अचानक वो सन्नाटा टूटता है। और सेकंड पैराग्राफ में आप देखिए, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, अचानक गोल्ड फिंच का आगमन होता है विद अ पिजन चिरप, जेट के साथ आवाज करती हुई आती है, सडननेस, अचानक उसका आगमन होता है और अचानक उसकी रात हो जाती है, उसके बच्चे जो सोए रहते हैं जग जाते हैं, उसके बच्चे जो नींद में रहते हैं गाना गाने लगते हैं, पेड़ जो सुस्ता रहा होता है वो झूमने लगता है, और ऑटम सीजन पता नहीं कहाँ चला जाता है, और एक तरह से आनंदित हो जाते हैं सब लोग, मम्मी आ गई मम्मी आ गई, और पेड़ भी कहता है कि दोस्त आ गया, झूमने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं। स्टार्टिंग में अचानक खुशियों का माहौल पूरे ब्रांच में फैल जाता है, हर पेड़ का हर पत्ता खुशियों से झूमने लगता है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड,
लिजर्ड का मतलब क्या होता है? छिपकली। और स्निक मतलब सॉफ्ट। लिजर्ड की तरह चुपके से, सॉफ्ट मतलब बहुत ही चुपके से, बहुत साइलेंट वे में, जैसे लिजर्ड है आप खाना खा रहे पीछे से लिजर्ड है आगे, उसी तरह से जो ये चिड़िया है वो चुपके से आती है और कोई ने सुना लिजर्ड से नहीं है। अलर्ट है, बहुत बहुत एक्टिव है, करके एक्टिव अचानक आती है, चक चक ऐसे देखती है और अपने बच्चों को देखती है, पेड़ को ऐसे देखते हैं बच्चों, आप चिड़िया का आकर देखते हैं। एब्रप तेजी से आती है, सी एंटर द थिकनेस और अचानक पेड़ में घुस जाती है, पेड़ की गहराई में चली जाती है, वो जो चिड़िया है थिकनेस में चली जाती है, उसको रास्ता पता है, उसको रास्ता पता है, उसको रास्ता पता है कि उसके बच्चे कहाँ पर है, किस शाखा पर है, किस गली में है, किस शहर में है और पेड़ की किस शाखा में बैठे हुए हैं, मेरे बच्चे कहाँ इंतजार कर रहे हैं। एंड मशीन स्टार्टअप, अब मशीन से स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे चीज आती है पूरा पेड़ ढूंढने लगता है, पूरा पेड़ ढूंढने लगता है, एक मशीन स्टार्ट हो जाती है, एक हरकत शुरू हो जाता है। आप चिट्रिंग्स अच्छा ऐसा नहीं किया मतलब वो जब आती है तो हर तरफ से चिट्ठी की आवाज, चहचाने की आवाज सुनने लगती है। क्रेमर मीन्स पंखों का कंपन, पंखों का कंपन शुरू हो जाता है। ट्रिलिंग्स और ट्रिलिंग्स वाइब्रेशन, पंखों का जो वाइब्रेशन, होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड ट्रिल्स, पूरा पेड़ कांपने लगता है, डर से नहीं खुशियों से झूमने लगता है और एक्साइटमेंट हो जाता है, सब खुश हो जाते हैं क्योंकि इट इज द इंजिन ऑफ अवर फैमिली। ये जो गोल्डन बर्ड है ये अपने परिवार का इंजिन है, अपने परिवार की मुखिया है, तो जब इंजिन नहीं रहेगा तो सब शांत रहेगा, जब इंजिन जुड़ जाएगा तो थकर थकर मशीन चालू हो जाएगा। सिर्फ फुट सिर्फ फुल, और जब आती है तो लोगों को कहती है बच्चों गाना गाओ, बच्चों पार्टी का मूड है, कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो और पार्टी मनाओ, वो उनके खुशियों को डबल कर देती है, अराउज कर देती है। देन फ्लोर्स आउट टू ब्रांचेस और होते हुए हर पेड़ की हर पेड़ की शाखा में जाती है, शोइंग हर बैरेट फेस आइडेंटिटी मास और अपने बॉडी को भी दिखाती जाती है जो उसका आइडेंटिटी मास है, मतलब उसके चेहरे पर जो धारियां बनी हुई है, और धारी क्या है, उसकी पहचान है, जो धारी है उसकी पहचान है, जो स्ट्रिप्स है वो उसकी पहचान है। वो अपने अंगोल्डी को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि उसकी जो बॉडी है उस पर धारियां बनी हुई है और ये उसकी आइडेंटिटी है कि ये गोल्ड ब्रिज बर्ड है। देन विद एनी डेलिकेट विशेष सिरप दिस वे, और लास्ट में आएगा अपने वही